Hello guys, so Nishant here, and in this video we are going to break down the editing of the most TikTok viral video. I'm talking about in the like cinematic or editing category. This video is created by the FalcoPunch. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. He has almost 8.2 million followers on TikTok, and one of his videos got millions of views, in which he has done great job, great editing, and I'm gonna break down his editing in this video. So let's jump into computer like in Peter McKinnon. Hello guys, so this is the most viral video of this FalcoPunch, which we are going to break down. So let's first watch his most viral video with his great editing skill. Start. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. बस एंड ये 15 सेकंड का ये वीडियो है, सिर्फ 15 सेकंड का. सो चलो अब स्टार्ट कर दें इसके ब्रेक डाउन, ताकि आप भी इस तरीके से वीडियो बना सको. तो उसने स्टार्टिंग किया है लाइक नॉर्मली है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ जंप कट लगा है. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में उसने किया क्या, नमस्ते किया, इंडिया को नमस्ते कर रहा है. देखो बंदा कैमरे के नज़दीक हाथ लाया, और फिर नेक्स्ट जब वीडियो उसने शूट किया, नेक्स्ट वीडियो में भी उसने वही से ट्रांजिशन लिया, लाइक कंटिन्यू मोशन की, ताकि आपको पता ना चले. अगर आपको नोटिस करना चाहिए, देखो यहाँ पे टी शर्ट है, यहाँ पे शर्ट आ गया, तो बस उसने वही मोशन कंटिन्यू किया ताकि पब्लिक को पता ना चले कि ट्रांजिशन हो गया है. ये रहा फर्स्ट ट्रांजिशन, नमस्ते किया फिर से. और अब जो ये बंदे ने किया, ये जो 3D क्रिएट किया है ना, इसकी वजह से इसका वीडियो वायरल हुआ है भाई. और ये मुझे भी नहीं पता इसने कैसे किया, अगर आपको पता चले तो मुझे बता देना. मैंने बहुत सोचा, लेकिन मे बी ये सब एडिटिंग फ़ोन में ही करता, तो मे बी ये आफ्टर इफेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकता, तो मे बी इसने कोई प्रीसेट्स या कोई एप्लीकेशन यूज़ की होगी जिसमें ये इफेक्ट बनती हो. तो वो मैंने ट्राई किया ढूंढने का, लेकिन पता नहीं चला. तो आगे चलते हैं. आगे उसने बस यही लास्ट फ्रेम ली, वो वीडियो की लास्ट स्क्रीन शॉट लिया, और वही शॉट अपने मोबाइल में डाल दिया, और वहाँ से एक ट्रांजिशन बनाया, उसके ऊपर हाथ रखा, और वहीं से लिप्स आ गए. तब ये उसने सोचा कैसे, क्योंकि ये कंटिन्यू मोशन है. अब इसने इस तरीके से सोचा कि लाइक अब मुझे लिप्स दिखाना है, तो उसके आगे के वीडियो में मुझे ऐसा कुछ दिखाना होगा जो उस कलर टोन से मैच करे. तो उसने अपना हाथ यूज़ किया जिसमें वो राउंड बनाता है, तो लिप्स की तरह वो राउंड राउंड मैच हो जाएगा. लेकिन ये देखो, ये राउंड उसके लिप्स के साथ राउंड के साथ मैच हो गया, समझ गए. ये देखो, ये लास्ट स्क्रीन, उसके ऊपर हाथ रखा, वहाँ से लिप्स आ गए, लिप्स में उसने ये कट कर दिया. अब ये भी ये कैसे किया उसने, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो ये उसने कैसे किया. इसमें भी उसने क्या किया है, इसमें उसने ये लास्ट स्क्रीनशॉट लिया, उसकी एक हार्ड कॉपी बनाई, उसको बीच में से कट किया, और जब नेक्स्ट वीडियो शूट किया तो वहीं से स्टार्ट किया कट करके. देखो बस यही से उसने स्टार्ट किया, कंटिन्यू मोशन रखा है बस, और कुछ नहीं, इसलिए वो वीडियो स्मूथ लगता है लाइक ट्रांजेक्शन के वक्त. ये अपने खुद के हाथ से उसने अपने आप को नीचे डाला, और ये मोशन कंटिन्यू दिखाने के लिए जब उसने नेक्स्ट शॉट जो शूट किया उसमें उसने अपना हाथ पहले दिखाया, क्योंकि ऐसा लगे कि वो बंदा उसे मार रहा है. देखो अब वो आ गया. अब उसने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किया, कैमरे के सामने से ले गया, और जब नेक्स्ट वीडियो वो शूट करेगा तो वो शूट भी वो कैमरे के सामने पहले अपना हाथ ले जाएगा, और वहीं से मोशन कंटिन्यू करेगा ताकि वो एक कंटिन्यू शॉट लगे. देखो नेक्स्ट वीडियो शूट लिया, अब वो कंटिन्यू मोशन शूट करेगा बिट के हिसाब से.
इस बंदे ने सब एडिटिंग बीट के हिसाब से की है और सब एडिटिंग अपने फ़ोन में की है, सभी उसके सभी वीडियो फ़ोन में ही बनाए होते हैं। ये देखो ये कट, ये यहाँ से राइट गया, अब वो अपना नेक्स्ट वीडियो शूट करेगा वहाँ से लेफ्ट में जाता हुआ बताएगा। ये देखो लेफ्ट, अब फिर से राइट, ये देखो ये कट, ये राइट, अब फिर से लेफ्ट आएगा, वो मोशन ही कंटिन्यू करेगा। ये देखो लेफ्ट, एक बंदे आ गए, अब वहाँ से राइट, अब ये देखो मोशन कंटिन्यू किया, ये पूरा राइट आ गया और पीछे जा रहा है। अब ये पेपर वाला, इसमें भी उसने वही फंडा यूज़ किया है, लास्ट शॉट जो था उसका स्क्रीन शॉट लेके उसने हार्ड कॉपी बनाई और नेक्स्ट जब शूट किया वहाँ में वही से उसको कुचल दिया पेपर को, और यहाँ पे लाइट के थोड़ी इफेक्ट दे दी। नीचे गया, ये भी एक कंटिन्यू मोशन है, नीचे गया, ये देखो उसके हेयर अभी डार्क दिख रहे, अभी लाइट हो गए, अब वो हाथ नीचे लेके आया, बस वही कंटिन्यू मोशन दे रहा है और कुछ भी नहीं करा। अब देखो ये रहा उसका हाथ, ये बंदे आगे ऊपर, बस ख़त्म। इस बंदे ने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मोशन ही एक दूसरे से मोशन कंटिन्यू करता रहा, और ताकि ऐसा लगता है कि ये बंदे ने यार एडिटिंग बहुत कमाल की है, ताकि किया कुछ नहीं है उसने, सिर्फ मोशन ही कंटिन्यू किया है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोशन कंटिन्यू करता गया और कंटिन्यू वीडियो बन गया फैल्कन पंच, उसका मोस्ट वायरल वीडियो, किसकी वजह से, इस 3D इफेक्ट की वजह से। और इस 15 सेकंड के वीडियो में उस बंदे ने यूज़ किया है 15 वीडियो उसने शूट किए हैं, मतलब 15 सेकंड के वीडियो में 15 वीडियोस, मतलब पर सेकंड एक वीडियो। बंदे ने बहुत मेहनत की है, पर सेकंड एक वीडियो शूट किया है। तो देख लेते हैं फिर से, मैं आपको समझाते तो कट उसने कहाँ से किया है। देखो कट 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 खत्म। सो गाइस आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है अगर इस तरीके के टिकटॉक वीडियोस आपको बनाने हो तो। ट्रांजिशन वाले बंदे ने 15 सेकंड के वीडियो में बंदे ने 15 शॉट लिए थे, एक एक सेकंड का एक शॉट, मतलब 15 वीडियो उसने शूट किए एक एक सेकंड वाले, और उससे बना 15 मिनट का वीडियो। और आपने देखा उस बंदे ने दिमाग कितना लगाया उस एक वीडियो को बनाने में। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे और अगर आप इस तरीके का वीडियो बनाने गए, आपने बना भी दिया लेकिन अगर वो वायरल नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने ऑलरेडी लेवल बहुत ही हाई सेट कर दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो जैसा ही वीडियो बनाएं, और अगर वायरल नहीं हुआ तो डीमोटिवेट मत होना। इस वीडियो से आप जो भी सीखे हो उसको अपने हिसाब से ट्राई करो, लाइक अपनी स्टोरी के हिसाब से इस ट्रांजेक्शन को आप यूज़ करो, ताकि आपको हेल्पफुल हो, लोगों को समझ आए, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा दिखे, ताकि लोग शेयर करें इस आपके वीडियो को। सो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होता तो। अगर वायरल हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो इस वीडियो से आप कुछ सीखो और अपने दिमाग से, अपने आइडिया के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन को, इस आइडिया को अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट करो, ताकि वो निखर के आए, कॉपी ना लगे, आपका खुद का आइडिया लगे और वीडियो वायरल हो जाए, आप फेमस हो जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ अच्छा सीखना मिला हो और आपका वीडियो वायरल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, बहुत ही क्रेजी एडिट करता है, लेकिन वो PC में एडिट करता है, एकदम शार्प है उस बंदे का काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।